नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सीएम बनने के बाद पहली बार हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र दुमका पहुंचे, जहां हवाई अड्डा में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दुमका पहुंचने पर हेमंत सोरेन ने पोखरा चौक स्थित सिद्धो कान्हो, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन में आम जनों से भी मुलाकात करेंगे। हेमंत सोरेन ने दुमका पहुंचने के बाद और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक वो कर रहे हैं। दो दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे हैं सीएम हेमंत सोरेन। सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ, सीधे अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, दो दिन के दौरे पर सीएम है दुमका में, लेकिन खास बात इस दौरे की बरहेट और दुमका विधानसभा सीट को लेकर है कि आखिर कौन सी सीट छोड़ेंगे हेमंत सोरेन और किस सीट के विधायक वो बने रहेंगे। अविनाश, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा संपर्क हो। सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन दुमका दौरे पर हैं, राजभवन में आम जनों से मुलाकात वो कर रहे हैं। दुमका पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित दिखे। सीएम बनने के बाद ये पहला दौरा हेमंत सोरेन का। अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, सीएम का दुमका दौरा, दो दिनों तक दुमका में रहेंगे, किन मायनों में खास ये दौरा देख रहे हैं आप? लगता है फिर से आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे सहयोगी तक। ये तस्वीर आपको दुमका की दिखा रहे हैं, जहां सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन दुमका पहुंचे हैं। यहां पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया, महापुरुषों की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और दो दिनों तक यहां रहेंगे। फिलहाल वो कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अविनाश, दो दिवसीय दौरे पर सीएम दुमका में है, कितना खास ये दौरा उनका रहने वाला है ऐसे में जब दो सीटों पर वो चुनाव जीते हैं? क्या इस पर भी राय मशवरा होगा कि कौन सी सीट पर वो विधायक बने रहे और कौन सी सीट छोड़ें? नहीं आशिया, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और इसे दो तरीके से समझने की जरूरत है। एक तरफ आपने जो इशारा किया है उसमें बहुत दम है, दो विधानसभा सीट से वो निर्वाचित हुए हैं, लोगों की, जनता का प्यार उन्हें मिला है, चाहे वो दुमका की बात करें या हम बरहेट की बात करें। इसको लेकर भी दो दिनों तक जो रायशुमारी होनी है दुमका के आम जनता के साथ, प्रबुद्ध लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनसे बातचीत होगी। बरहेट में भी सेम आप कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग, बुद्धिजीवी जो पत्रकार हैं उनसे बातचीत करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें आसिया, तो ये निर्णय व्यक्तिगत है, हेमंत सोरेन का अपना व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं इसलिए उन्होंने किसी भी निर्णय को लेने से पहले इस बात को ज्यादा जरूरी समझा कि आम लोगों से रायशुमारी के जरिए कोई नई राह को चुनी जाए। और इसी के तहत आप कह सकते हैं कि ये जो दो दिनों का उनका दौरा है ये दौरा होने जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप देखें चुनाव जीतने के बाद या फिर मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के बाद वो पहली बार संथाल गए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए भी ये कह सकते हैं कि जो नजारा हम राजधानी रांची में, हम मुख्यमंत्री आवास में, या ये कहें कि हेमंत सोरेन के आवास में जो नजारा देखने को मिला पिछले 6-7 दिनों से, जब वो चुनाव का परिणाम आया, जब वो शपथ ले रहे थे, शपथ से पहले की बात करें, शपथ की बाद की बात करें, लगातार लोगों की जो संख्या थी
जो कतारबद्ध लोग थे रोज मिल रहे थे हेमंत सोरेन से, इससे कई गुना ज्यादा आप कह सकते हैं। जब वो संथाल में है अपने विधानसभा क्षेत्र में आसिया, तो तमाम लोग पूरे उत्साह के साथ उनसे मिलने आए हैं, उन्हें बधाई देने के लिए आए हैं और ये सिलसिला कल तक चलेगा। लेकिन जो जानकारी है और जानकारी के मुताबिक मैं जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, चूंकि 6 जनवरी से विधानसभा का सत्र है और पहले ही दिन जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ लेना है, इसलिए हेमंत सोरेन को यह तय करना होगा 11 बजे से अगर सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है उन्हें 10 से 10:30 के बीच सदन के ये बताना होगा, वहां के सचिव को बताना होगा, विधानसभा अध्यक्ष जो सचिव हैं उन्हें बताना होगा कि वो कौन सी सीट से शपथ लेंगे, क्योंकि जिस सीट से वो शपथ लेंगे वहां के वो माननीय विधायक कहलाएंगे, जो सीट वो छोड़ेंगे उस सीट पर अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होने हैं जो उपचुनाव होंगे। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि थोड़ा इंतजार करना होगा, इस सस्पेंस से जो पर्दा उठने वाला है थोड़ा इंतजार के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो थोड़ा इंतजार के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल 2 दिन के दुमका दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी और मशवरा भी उनका जारी रहेगा। फिलहाल कई लोग पहुंच रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए।